भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? अब बताओ, औपनिवेशिक शहर तो आप जानते होंगे मुंबई को, सात टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को। देखो वित्तीय राजधानी, भारत की अभी वित्तीय राजधानी कौन है? वित्तीय का मतलब मतलब हर तरह का व्यापार करने वाला केंद्र जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, याद रखिएगा। देखो मुंबई आज भी सपनों का नगरी कहा जाता है, सपनों का। हर इंसान अपना सपना लेकर वहीं पर जाता है, किसी को हीरो बनना है वहीं पर जाता है, किसी हीरोइन को फेमस हीरोइन बनना है मुंबई में जाता है, अपने टैलेंट निखार के आता है। कहीं ना कहीं दुनिया में मतलब अपने भारत में सपनों का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। अपनी सपना को लेकर जाइए, क्योंकि होता क्या है वहां का हर इंसान बिजी है। किसी से आप पूछिएगा भैया हमको ये पता बताइए, नहीं बताएगा लोग, क्योंकि वहां के बहुत बिजी है लोग यार, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सब कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इतना लोग बिजी है। तो कहीं ना कहीं सपनों की नगरी ये कहा जाता है। किसको कहते हैं सपनों की नगरी? मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मुंबई को सपनों की नगरी? क्योंकि भाई वहां पर लोग अपने सपने लेकर जाते हैं और सपने को साकार कराते हैं। एक फिल्म देखिएगा जिसका नाम होगा चांद तारों में, एक फिल्म है चांद के पार चलो, देखिएगा। उसमें जो लड़की रहती है, उसमें जो साधारण हीरो रहता है, लड़की को तो लेकर चला जाता है, उसको फेमस स्टार बना रहता है, लेकिन बाद में वो लड़की को भूल जाती है। तो उसके पापा ने एक शब्द कहा था, मतलब हीरो का पापा ने एक शब्द कहा था जो मेरे दिल को बड़ी झकझोराता है। उसने बोला था कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन जाने के बाद वो बनाने वाले के नाम से फेमस नहीं होती है, बन जाने के बाद वो अपने नाम से फेमस होती है। वैसा ही चांद के पार चलो फिल्म में हुआ था। देखो बुआ, मेरे कहने का मतलब सपनों की नगरी मुंबई को, सात टापुओं की नगरी मुंबई को, औपनिवेशिक शहर मुंबई को, और साथ में भारत की राजधानी अभी कौन है? तो मुंबई है। समझ में आ रही? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें ऑप्शन आप मुंबई को टच कर लीजिएगा।